वेल दोस्तों, बिग बॉस सीजन 14 के आने वाले एपिसोड के अपडेट के साथ एक बार फिर हम आप सभी दर्शकों के सामने हाजिर हैं। दोस्तों, आने वाले एपिसोड में आप सभी दर्शक देखेंगे कि सिद्धार्थ शुक्ला की टीम जो है वो विनर बनकर भी विनर नहीं बन पाएगी। यही बात हम आपको आज के खास रिपोर्ट में पूरे विस्तार से बताने वाले हैं। लेकिन इससे पहले, अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों, तो सबसे पहले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन के घंटे को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए, बिना देरी किए हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं और आप सभी दर्शकों को बताते हैं कि आने वाले एपिसोड में क्या क्या होगा। खास टीम सिद्धार्थ शुक्ला, टीम गौहर खान और टीम हीना खान के बीच में बहुत बड़ी जंग आज के एपिसोड में लड़ी जाने वाली है। और साथ ही साथ टीम सिद्धार्थ शुक्ला की टीम में होंगे निक्की तंबोली, एजाज खान, पवित्र पुनिया, तो वहीं गौहर खान की टीम में हैं जान कुमार शानू और साथ ही साथ राहुल वैद्य, और बाकी के जो 4 सदस्य हैं वो हीना खान की टीम में होंगे। और साथ ही साथ आज के एपिसोड में जैसे ही बजर बजेगा, बजर बजने के बाद सिद्धार्थ शुक्ला पूरी तरह से अपना स्ट्रेटेजी बनाते हुए नजर आएंगे, अपने टीम के सदस्यों को ये बोलते हुए नजर आएंगे कि कुछ भी हो जाए हारना नहीं है, चाहे आप लोगों को कुछ भी करना हो या फिर कुछ भी और भी करना हो। इसके बाद हीना खान अपने टीम को चेयर कर रही होंगी, गौहर खान अपने टीम को चेयर कर रही होंगी। इसके बाद बजर बजता है और बजर बजने के बाद तीनों ही प्रतिद्वंदी एक दूसरे का साथ मुकाबला करने के लिए गार्डन एरिया में आ जाते हैं। इसके बाद आप सभी दर्शकों के बीच में देखने को मिलता है कि वहां पर कुछ ऐसा हो जाता है कि टीम सिद्धार्थ शुक्ला की जो टीम है, यानी कि एजाज खान, पवित्र पुनिया और निक्की तंबोली जो है, पूरी तरह से धावा बोल देते हैं और बाकी के कंटेस्टेंट पर पूरी तरह से हमला बोलते हुए नजर आएंगे और साथ ही साथ इसी तरह से उनकी जीत जो है वो पक्की होती हुई जाएगी। लेकिन आप सभी दर्शकों के बीच में ये देखने को मिलता है कि गौहर खान, जी हाँ, गौहर खान जो है वो अपना आवाज उठाती हैं और आवाज उठाते हुए बिग बॉस पर सवाल उठाती हैं, बिग बॉस पर सवाल करती हैं और साथ ही साथ ये कहती हैं कि मेरे टीम के जो 2 सदस्य हैं वो बुरी तरह से इंजर्ड हो गए हैं, ये पवित्र पुनिया और एजाज खान की वजह से। पवित्र पुनिया और एजाज खान जो है राक्षस की तरह बिहेव कर रहे हैं इस टास्क में, और साथ ही साथ हीना खान की टीम का भी एक सदस्य जो है वो बुरी तरह से इंजर्ड हो गया है। इसके बाद आप सभी दर्शक देखते हैं कि गौहर खान के बातों में हाँ में हाँ मिलाती हैं हीना खान, और साथ ही साथ वो ये कहती हैं कि मुझे तो पहले से ही पता था कि सिद्धार्थ शुक्ला कुछ इस तरीके की स्ट्रेटेजी को वो अपनाएंगे। इसके बाद आप सभी दर्शक देखते हैं कि गौहर और हीना खान के कहने पर बिग बॉस जो है वो हीना गौहर और सिद्धार्थ शुक्ला को थिएटर में बुलाते हैं और थिएटर में बुलाकर स्क्रीन पर सारे के सारे विजुअल्स को दिखाते हुए नजर आते हैं। इसके बाद आप सभी दर्शक देखते हैं कि हीना खान और गौहर खान जो हैं और भी अपनी बातों में अड़ जाते हैं और सिद्धार्थ शुक्ला पर काफी अटैक करते हुए नजर आते हैं। इसके बाद सिद्धार्थ शुक्ला जो है अपने पॉइंट रखने की कोशिश करते हैं। इसके बाद अंत में ये फैसला निकलकर सामने आता है कि सिद्धार्थ शुक्ला की जो टीम है वो हार गई है। जी हाँ, बिग बॉस ये फैसला सुनाते हुए नजर आते हैं। इसके बाद आप सभी दर्शकों के बीच में ये देखने को मिलता है कि गौहर खान और साथ ही साथ हीना खान जो है इस कार्य की विजेता बनी नहीं है, लेकिन वो आगे के लिए कंटिन्यू करेंगे। इसके बाद आप सभी दर्शक देखते हैं कि पवित्र पुनिया और एजाज खान जो हैं कुछ भी लड़ने के कारण और साथ ही साथ दूसरे सदस्यों को हामी पहुंचाने के कारण इन्हें घर से बेघर कर दिया जाएगा। जी हाँ, इन्हें घर से बेघर कर दिया जाएगा, ये बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। और साथ ही साथ बीते एपिसोड में जो गायब सदस्य बने हुए थे शहजाद दियोल भी इस घर से हमेशा के लिए बाहर हो जाएंगे। वेल दोस्तों, ये सारी की सारी बातें जो है वो निकलकर सामने आ रही है। अगर आपको आज का ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप आने वाले एपिसोड को देखने के लिए कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं कमेंट के थ्रू आप हमें ये भी बताएं। तब तक ले बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। हिंदुस्तान न्यूज की रिपोर्ट।